केक काट दिया मैंने। अच्छा तो ये मैम है हमारे पास, काफी दूर से आती है बुद्ध विहार से। मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। स्कूटी आ गई आपको चलानी बहुत अच्छा है? आपको साइकिल आती है? नहीं। उसके बावजूद भी बैलेंस वगैरह सब क्लियर हो गया ना? अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने आपकी वीडियो डाली थी उसमें स्पीड ज्यादा थी, लेकिन आज एकदम परफेक्ट स्पीड है आपकी। इनको पता ही नहीं, चैनल पे जाके देख लेना ठीक है। आपकी वीडियो कल भी डाली है मैंने, दो शॉर्ट में डाली है। हाँ तो अब आप खुश हो ना यहाँ पे है? अब आराम से स्कूटी चलाने आ गई ना साइकिल। थैंक यू, वेलकम। क्या नाम है? इसमें आपको साइकिल का तो कोई लगा नहीं ना कि मुझे साइकिल नहीं आती तो स्कूटी सीखने में कोई दिक्कत हुई? भूल गए ना, साइकिल की कोई जरूरत नहीं है ना आपको। देखो जब स्कूटी सीखनी हो ना तो साइकिल का कोई इशू नहीं है, मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं साइकिल आएगी तो ही स्कूटी आएगी। हाँ पता लग गया कि स्कूटी साइकिल आए ना स्कूटी आ गई, स्कूटी आ जाएगी तो आराम से बच्चों को छोड़ने जाओगे स्कूल में, सपना पूरा हो गया। वही तो कह रही हूँ, मुझे रोड पे उतारो तो पता तो चले। हाँ नहीं आप तो रोड पे ही चला रहे हो, वैसा है धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और स्पीड को इतना ही मेंटेन करके रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी अभी शुरू में। जितना आप आराम से चलाओगे ना गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, और ये कंट्रोल में रहेगी तो आपके अकॉर्डिंग चलेगी, लेकिन जहाँ आपने स्पीड बढ़ाई वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी कुछ दिन आपको इसी स्पीड में रहना है ठीक है ना? हैप्पी हो ना यहाँ के? चलो बढ़िया। वेरी गुड। अभी प्रैक्टिस और करती रहेगी ना तो देखो अब पहले से कितना कंट्रोल आ गया है स्पीड पे, अब थोड़ी कम चला रही। हाँ स्पीड के थोड़ा सा स्पीड को हाँ अब कम किया, नहीं ठीक है ना, स्पीड कंट्रोल में ही रहनी चाहिए, वरना मैंने इनको ये बोला था ज्यादा स्पीड मत करो। आ जाओ सीधा आओ आराम से, यहाँ पे रोकनी है आपको मेरे पास। आ जाओ ठीक। स्टैंड को लात मारो पीछे, स्टैंड भूल जाते हो हटाना आप। नहीं अच्छा चलाते हो, पर अभी ये है कि दूसरे को मत बिठाओ, थोड़ा सा खुद से पहले और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पर ये है कि बैठा के तो चला ले, भैया ने तो पैर नीचे रखे हुए।